हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठे। स्टूडियो में हम 31 जनवरी 2020 का द इंडियन एक्सप्रेस का और बाकी जो न्यूज़पेपर उनका एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा एडिटोरियल, व्हाई प्रेसिडेंट एड्रेस मैटर्स। आपको पता है हर साल जब हमारी असेंबली को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और हर एक जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, हमारा जो अब जैसे हाल ही में अर्लियर दिस वीक केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस किया, तो वो गवर्नर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं। और इस साल हमारा जो पहला बजट सेशन जो शुरू हो रहा है उसका जो पहला दिन है उसमें रामनाथ कोविंद जो दोनों हाउसेज हमारे उनकी जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगे। हर साल ऐसा करते हैं, हर साल की शुरुआत में ऐसा किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और हर एक जनरल इलेक्शन के बाद ऐसा किया जाता है। या कि प्रोविजन आया कहाँ से और किस, ये देखो संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटर की सिटिंग को एड्रेस करेंगे। पावर है दोनों के पास, स्पेशल पावर। और ये दो ओकेशंस पे आजमाई जाती हैं, एक तो जब नया लेजिस्लेटर जो है जनरल इलेक्शन के बाद होए तो जो सेशन जो होता है पहला सेशन इलेक्शन के बाद, तब दूसरा हर साल जो मैंने आपको बताया जब फर्स्ट सिटिंग होती है लेजिस्लेचर की, हर साल फर्स्ट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, तो लेजिस्लेचर में वहाँ का जो राज्यपाल है गवर्नर है स्टेट का वो एड्रेस करता है और संसद में हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ये और इस रिक्वायरमेंट को पूरे किए बिना सेशन चालू नहीं हो सकता। जब हमारा संविधान आया था तो प्रेसिडेंट के जो ये प्रोविज़न है वो डाला गया कि हर एक, अब शुरू में ये था कि हर जो सेशन, जैसे हमारे तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, तीन सेशन जो होते हैं तीनों सेशन को हर साल तीन सेशन होते हैं तो शुरू में तीनों सेशन को एड्रेस करना होता था, बजट सेशन, मानसून सेशन और जो विंटर सेशन जो आता था, तीनों सेशन को एड्रेस करना पड़ता था। हालांकि इस प्रोविज़न का अमेंडमेंट कर दिया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और फिर जो है हर साल इनको देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, हर साल जो है प्रेसिडेंट का एड्रेस देना पड़ता है। और ये जो है प्रेसिडेंट का एड्रेस और गवर्नर का जो एड्रेस होता है वो बहुत फोकस के साथ देखा जाता है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी एजेंडा क्या हो गया और उसके इशूज़ क्या, सूज पे क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का। अभी जो प्रेसिडेंट का एड्रेस रहा इस साल, प्रेसिडेंट ने सिविल सर्विसेज को भी रिफॉर्मेशन की बात की, तो जहाँ तक है कि संभावना है कि इस साल सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स आने की कोशिशें करेगी सरकार, तो इसलिए जो है ध्यान से इनके स्पीचेस को एड्रेस को देखना होता है। और कंट्रीज़ में क्या प्रावधान है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ द यूनियन, मतलब होता क्या है कि वहाँ पे जो है रिटर्न में होता क्या है कि बताना पड़ता है प्रेसिडेंट को, वहाँ की कांग्रेस, वहाँ की संसद को कि कैसी वहाँ की सरकार चल रही है और क्या क्या वो मेजर्स किस तरीके से ले रहे हैं। और यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, बेसिकली अब होता क्या है कि अमेरिका में तो वो केवल लिख के भी भेज दे तो भी चलेगा, मतलब पर्सनली अगर प्रेसिडेंट जाए उसके बजाय खुद लिख के भेज दे तो भी चलेगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में इसे क्वीन्स स्पीच करते हैं और इसमें जो है वहाँ पे मौजूद होना होता है वहाँ की क्वीन को, उनको पढ़ना पड़ता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये स्पीच सबके सामने। हमारा जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है वो बिल्कुल ब्रिटिश सिस्टम की जैसे हैं, प्रेसिडेंट खुद आते हैं असेंबली में सबके सामने वो एड्रेस करते हैं, सबको एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग को। अब हमने जो है वो ब्रिटिश सिस्टम वाला क्यों चुना, उसका जो है कारण B.R. अंबेडकर जी ने दिया है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन, वो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रूल नहीं करते, सिंबल है हमारे नेशन का, एक हमारे नेशन का रिप्रेजेंटेटिव है हमें, तो उनका जो प्रशासन में जो स्थान है वो एक तरीके से सील की तरह, एक राजा के मुकुट की तरह है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को ये बाइंड करता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उनकी एडवाइस पे काम करेंगे, उनकी एडवाइस मानेंगे। और ये जो स्पीच दिया जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, ये गवर्नर का व्यू पॉइंट माना जाता है और ये तैयार भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति का स्पीच हो चाहे वो राज्यपाल का स्पीच हो। अब ये जो कंटेंट रहता है उसमें क्या रहता है
कई बार ऐसी कोशिशें की गई कि जब संविधान बना था तो एक असफलतापूर्वक एक कोशिश की गई कि कैसे ना कैसे जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है उसमें कंटेंट की स्पेसिफिटी आए, यानी प्रेसिडेंट है कुछ ही मुद्दों को यहाँ पे सामने पेश करें। अब प्रेसिडेंट का जो हमारे स्पीच और ब्रिटिश सिस्टम का फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये कोशिश नाकाम रही और हमने जो है बेसिकली इस सिस्टम को आगे बढ़ा के लेजिस्लेटिव और पॉलिसी प्रपोजल्स भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने पिछले सालों में क्या सफलता हासिल की वो भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। सरकार के जितने मंत्रालय थे, जितने मिनिस्ट्रीज थे, उन्होंने किस तरह का काम किया पिछले साल, ये भी हमने इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो हमने इसको लिमिटेड करके, सीमित करके नहीं रखने की कोशिश की। अब मान लो अगर प्रेसिडेंट को ये एड्रेस बना के सरकार देती है कि भैया ये स्पीच है, ये आपको बोलना है। राष्ट्रपति अगर हमारे कहते हैं, अगर मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर एग्री नहीं होते, तो फिर मान लो उनको लगता है जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो देखो ऐसे तो अगर उनको लगता है कि गलत है तो वो अपनी ड्यूटी तो पूरी करके ही रहेंगे। ड्यूटी तो उनको संवैधानिक, ये कर्तव्य उनका, संवैधानिक कर्तव्य उनको पूरा करना ही पड़ेगा, लेजिस्लेचर को एड्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जब कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वो गवर्नमेंट के द्वारा स्पीच से डेविएट कर जाते हैं। और ऐसा हुआ एक बार कि गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जो थे धर्मवीरा, उन्होंने दो पैराग्राफ्स को जो है छोड़ दिया था, और वो पैराग्राफ जो था वो, अब ये चीज़ अपोजिशन को चुभ गई क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था कि अपोजिशन को पसंद नहीं आया कि इसको स्किप क्यों किया आपने। तो फिर जो अपोजिशन ने मोशन मूव करने की सोची और कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर और स्पिरिट के अगेंस्ट है। अब जो MPs थे जैसे कि अशोक कुमार सेन और कई जो थे, उन्होंने जो है लॉ मिनिस्टर भी जो थे, उन्होंने गवर्नर को किसी न तरीके से बचा लिया और अपोजिशन का जो मोशन है वो डिफीट हो गया था। हाउ हैव द मेंबर्स रिस्पॉन्डेड टू द एड्रेस ओवर द ईयर्स। ये जो कंडक्ट है MLAs का, ये कई बार एक इशू बन चुका है क्योंकि जो MLAs हैं कई बार आते नहीं हैं, कई बार इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट ऐसे करते हैं कि गवर्नर की तरफ, एक बार क्या हुआ था 2017 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का एड्रेस हो रहा था असेंबली में, तो उनकी तरफ जो है MLAs के द्वारा पेपर बॉल, प्लेन फेंके गए, कागज के बना हुए जो एरोप्लेन बना देते हैं वो फेंके गए गवर्नर राम नाईक की तरफ। तो स्टाफ को जो है उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। संसद में भी एक बार ऐसा हुआ 1963 में, प्रेसिडेंट का स्पीच इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनकी जो स्पीच को इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। लोकसभा ने इस घटना का नोट किया और MPs को जो है नोटिस दे दिया। हालांकि कुछ सालों में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है प्रेसिडेंट के एड्रेस को बहुत पवित्र मानने की कोशिश की है, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो, और कोशिशें ये की हैं कि इसको इंटरप्ट ना किया जाए। तो पहले ये होता था, अब जो है ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होता है जब भी कोई एड्रेस को डिलीवर करता है उसके बाद एक डिबेट होती है, ना केवल जो बोला गया उसके ऊपर बल्कि जो पूरी गवर्नेंस देश में चल रही है, सरकार जो देश में चल रही है उनके ब्रॉड इश्यूज पे, और इससे जो है बजट का डिस्कशन निकल के आता है, फिर जो है बजट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वाई वायरस कुड हिट इंडिया फार्मा इंडस्ट्री, हमारा जो कोरोना वायरस है वो किस तरीके से इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को हिट कर सकता है। अब आप सोचोगे कि वायरस फैला है तो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की तो मौज होनी चाहिए क्योंकि उनकी दवाइयाँ बिकेंगी, तो हिट क्यों करेगा? हिट इसलिए करेगा, तो ये आर्टिकल पढ़ने से हमको समझ में आएगा कि नोवल कोरोना वायरस फैला है। कोरोना वायरस पुराने हैं, कोरोना वायरस नई नहीं है, हालांकि एक नई फॉर्म इसकी निकल के आई है, फैमिली सेम है इसकी, और एक केस जो है केरला में कन्फर्म हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बिल्कुल अलर्ट हो चुकी हैं। सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग, क्विक और प्रोएक्टिव होना चाहिए हमारा, ताकि किसी भी तरीके के स्प्रेडिंग को रोक सकें। अब सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे देश में कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, हेल्थ केयर नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज़, ये तीन कारण हैं सबसे बड़े जो कि चैलेंजेस पेश करते हैं। हालांकि इनके अलावा और भी कारण है कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेफिशिट है पैरामेडिकल वर्कर्स का, प्रोफेशनल्स का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारा ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात, जो घरों में बूढ़ी दादियों के जो नुस्खे चलते हैं, जो दादियों के नुस्खे चलते हैं हमारे कि पुरानी बीमारियों के लिए, वो अब नई डिसीज़ में काम नहीं करते। और हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई बार ये देखा गया कि लैक ऑफ सैनिटेशन है, वायरस फटाफट फैल जाता है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती। तो ऐसे तो 10 मैं आपको जो है कारण गिना सकता हूँ जो चैलेंजेस हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और ये आपके जो है मेंस के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगे। इंडिया वल्नरेबल है क्योंकि ये चाइना पे डिपेंडेंट रहता है अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए। हम दवाइयाँ बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हम ही बनाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री हमारी काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो कच्चा माल जो हम लेते हैं, रॉ मटेरियल जो लेते हैं एसेंशियल मेडिसिन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हम चाइना से लेते हैं,
चाइना का 70 बिलियन के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं और टोटल ट्रेड हमारा 90 बिलियन के आसपास है चाइना के साथ, 80-90 बिलियन फिक्स नहीं है। तो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है चाइना के साथ हमारा, और चाइना और इंडिया इस पर मिलकर काम भी कर रहे हैं। हालांकि जो चेन्नई कनेक्ट अभी समिट हुई थी, सॉरी जो मलप्पुरम में, हाँ जो मलप्पुरम में जो समिट हुई थी उसमें बातें की गई थी कि किसी तरीके से ट्रेड की समस्याओं को सुलझाया जाए। हालांकि बात यह हुआ कि अब तक इस इशू पर कुछ काम नहीं किया गया। कुछ प्रोडक्ट्स हैं इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से, चाइना की प्रेजेंस में करता है, जैसे आशिया रीजन की बहुत बड़ी वैल्यू चेन है, चाइना से होके गुजरती है। तो चाइना में अगर इस तरीके से बीमारी फैलेगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर गुड्स है, जो दवाइयाँ जो ज़रूरी है, वो उनका जो है ट्रेड रुक सकता है। सिचुएशन अगर इंप्रूव नहीं होगी तो सेवल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया और हमारे सिटीजन्स इंपैक्ट होंगे। कैसे? मैंने इतना बता दिया आपको कि मेडिसिंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है, और 2015-2019 के बीच में ये टॉप 10 इंपोर्ट्स में था। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर स्थिति इंप्रूव नहीं होगी तो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो बन नहीं पाएंगी। दवाइयाँ बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल बन नहीं पाएंगी तो कंपनियाँ कहाँ से बनाएंगी। चाइना जो है 70% हमारे देश का जो रॉ मटेरियल जो आता है, बल्क ड्रग जो इंटरमीडिएट्स जो आते हैं दवाई बनाने के लिए, वो देता है। और चाइना से हमारे 354 ड्रग्स और ड्रग इंग्रेडिएंट्स आए थे 2017 में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स बनाने में, और अगर चाइना में इस तरीके से शटडाउन चलता रहा कि दवाइयाँ जो है मतलब सारे डॉक्टर और रिसर्चर जो है कोरोना वायरस में लग जाएंगे, और अगर ट्रेड रुक गया, मान लो अगर वुहान में से लोगों को निकलने नहीं दे रहा, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, अगर इन्फेक्शन और भी मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ गया तो फिर जो है दवाइयों का यहाँ पर प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब फैला वायरस तो ये वुहान में, हालांकि वुहान जो है देश के दुनिया के 80 शहरों से कनेक्टेड है, चाइना से तो पूरी तरह कनेक्टेड है, तो सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं। हालांकि हमको जो है, मैं ये कहता हूँ कि चाइना में अभी क्या है, जैसे लूनर न्यू हॉलीडे चल रहा है तो टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि WHO ने चाइना को कहा है कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो रहे, जो भी देश है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो USA हो, जिनमें भी थाईलैंड में 14 केसेस सामने आए हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट रहे, एक दूसरे को डाटा शेयर करें, पर्सनल इंटरनेशनल इमेज की चिंता ना करें, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि देखते हैं हम किस तरीके से काम होता है। ऐसे तो इंडिया के पास इनफ कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स अदर मेडिसिन के लिए, लेकिन एसेंशियल मेडिसिन के लिए हमको चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रहना पड़ रहा है। इंडस्ट्री में ये भी डर है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो मटेरियल्स दवाई बनाने के लिए होते हैं, इससे जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा दवाइयों के लिए, क्योंकि मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के पास अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो उनको डबल पैसा लगा के काम करना पड़ेगा, और डबल जो है पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। यह आप देख सकते हैं जो बल्क ड्रग इंपोर्ट से मेडिसिन के लिए 2014-15 से 18-19 तक कितना तेजी से बढ़ता गया, बिलियन में है ये वैल्यू, 2.77 बिलियन था, 3.57 बिलियन हो गया। 68% जो हमारा होता है वो आप देखो कि कहाँ से आ रहा है। अच्छा, टोटल है, टोटल ये बगल में चाइना से इतना आ रहा है, 2.41 बिलियन जो है चाइना से आ रहा है, ठीक है, जितना हम इंपोर्ट करते हैं टोटल जो मेडिसिन के लिए ड्रग इंपोर्ट हम करते हैं। अब देखो वो कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, आप देखो कितनी तेज़ी से इसने छलांग लगाई है। जनवरी 21 में 2022 282 थे, जनवरी 29 में सिर्फ 8-10 दिन के अंदर 6,665 केसेस इसमें पहुंच गए, कन्फर्म्ड केसेस हैं ये, और ग्लोबली है चाइना में तो 6,000 कन्फर्म्ड केसेस आ चुके हैं, काउंट जो है डबल हो चुकी है। हालांकि कोरोना वायरस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, टोटल देख लो दुनिया में कितना है, जापान में 7, साउथ कोरिया में 4 सबसे ज़्यादा, यहाँ पे थाईलैंड में नज़र आ रहा है मेरे को, नेपाल में एक है, श्रीलंका में एक है, और वियतनाम और नेपाल और श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में प्रॉपर सर्वेलियंस मैकेनिज्म नहीं है कि एयरपोर्ट पे वो हमारी जैसे थर्मल स्क्रीनिंग कर सकें, चेक कर सकें, तो उनके लिए तो बेहद डर की बात है। टोटल 68 केसेस आए हैं चाइना के बाहर कन्फर्म्ड केसेस, भारत में तो एक ही आया चाइना अभी केरला में। हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और आज सुबह क्या हुआ, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है आयुर्वेदा वाली, उसने यूनानी मेडिसिंस बताई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर है उसने एक अलग ही एडवाइस दी है। उसने कहा है कि पेशेंट को अलग से ले जाओ और उसको जो है फिर इलाज करने की कोशिश करो जो हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल है, जो नॉर्मली जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल रहती है सिम्टम के अनुसार।
मिस्ट्री ऑफ आयुष ने अलग ही यूनानी मेडिसिन बता दी, ये भी नहीं बताया कि कौन से सिम्टम के लिए कौन सी दवाई चाहिए, सिम्टम्स भी नहीं बताए, प्रिकॉशंस भी नहीं बताए, और ये भी कहा कि प्रॉपर एक बार आप चेक करवा लेना जो आयुर्वेद रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगा। अरे अभी न्यूज इतनी नहीं आई, इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, तो वो कोई भी आदमी किस वो लो लेवल के किसी भी प्रैक्टिशनर से कैसे कंसल्ट कर सकता है। और इससे जो सेल्फ मेडिकेशन की जो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे हरकत है वो बढ़ती जाएगी। सेल्फ मेडिकेशन वाला क्या है कि लोग जो है अपने आप कॉन्फिडेंस में आके दवाइयों का बीमारियों के इलाज करने लग जाते हैं। कोरोना वायरस का 14 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि बीमारी हुई है नहीं हुई। अगर हम ऐसे तरीके से करेंगे तो सेल्फ अगर मेडिकेशन बढ़ता गया तो यहाँ पर बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि मंत्रालय जो है आपस में इस मसले को सुलझाएं और जो कन्फ्यूजन पैदा ना करें जनता के बीच में। यहाँ पे बात हो रही है कोरोना वायरस की। देखो ये ऐसे कह रहे हैं कि इतना ये खतरनाक नहीं है, मैं आपको पूर्व से बता देता हूँ। देखो हुआ क्या कि ग्लोबली जो 170 इसकी डेथ हो गई है और ये केसेस जो हैं 6000 से ऊपर पहुँच गए हैं। चाइना ने वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया। हालांकि हम भारत सरकार बात कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट से कि जो वुहान में लोग हमारे फंसे हुए हैं उनको निकालने की, और हम काफ़ी इसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि सिचुएशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि हम देख सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किसी भी डिसीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये केसेस निकल के आए। अब देखो ये क्या है, कोरोना वायरस नया नहीं है, कोरोना वायरस बहुत पहले से था। अब 2002 में सार्स वायरस निकला था, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, सीवरिटी ज़्यादा थी, यानी इससे मौतें बहुत जल्दी हो जाती थी। और सार्स वायरस जो था वो काफ़ी फेटल था, काफ़ी सीवर था, और इससे कम सीवर कोरोना वायरस है लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी से वो फैल रहा है। फैमिली दोनों की सेम है, सार्स की, कोरोना वायरस की, जिसे नोवल कोरोना वायरस नाम दिया गया है, फैमिली सेम है बिल्कुल, लेकिन जो है सीवरिटी अलग अलग है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि सार्स में 11% मौतें होती हैं जिनको भी सार्स होता है, और इबोला में 50% होती है। केवल कोरोना वायरस में 2.9% लोगों की डेथ होती है। अब किसी भी वायरस का जो इम्पैक्ट होता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, तो कितनी तेज़ी से फैल रहा है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, यानी मौत जो है किसी भी इंसान की अगर ये बीमारी होती तो होती है नहीं होती, और इन्फेक्शन जो है वो मतलब अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल के आई जिससे ये पता चले बीमारी इतनी नहीं है, उसके बावजूद भी कितनी तेज़ी से इन्फेक्शन ये स्प्रेड कर सकता है, तो कितना इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, कितनी इसकी फर्टिलिटी है, और कितने तेज़ी से ये जो केसेस हैं असिम्प्टिक वाले वो इन्फेक्शन फैल सकते हैं। अभी जो है कोरोना वायरस के ऊपर हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है और कोई वैक्सीन भी नहीं है ना कोई इलाज है। हालांकि चाइना और यूएसए भारी भरकम तरीके से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है डिसीज़ का वो बढ़ता जा रहा है जर्मनी और वियतनाम में। हालांकि ये जो बीमारी पैदा हुई थी ये वाइल्ड एनिमल से पैदा हुई थी, चाइना में जो मछली मार्केट और जो वाइल्ड एनिमल्स का जो मीट का मार्केट है काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ह्यूमन में फैली, ह्यूमन से ह्यूमन में फैल रही है। तो इस स्थिति जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा, अब देखो कंट्रीज़ को यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी डेमोस्ट्रेट करनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन यहाँ पर सिस्टम लाना चाहिए, और ताकि हम फाइंड करके स्टॉप करके प्रिवेंट कर सके कोरोना वायरस को। अब ये एक तरीके से चैलेंज है सोशल मीडिया के लिए भी कि हम किस तरीके से, सरकार के लिए भी किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। WHO की भी कैपेबिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी, तो किस तरीके से हमारे सर्विलेंस सिस्टम मजबूत है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि जो गलत तरीके से निर्माण, अवैध निर्माण बनाए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है जो सरकारी अधिकारी जो निर्माण तोड़ने जाते हैं, बिल्डिंग वगैरह तोड़ने जाते हैं जो इलीगल तरीके से बनाई गई हैं, उनको जो है सिक्योरिटी का खतरा रहता है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक ऐसे ऑफिसर जा रहे थे तो जिस घर को तोड़ने जा रहे थे वहाँ के उस ओनर ने उनको गन की नोक पे रख लिया, उस सरकारी एम्प्लॉय को, और उनके साथ में जो गनमैन उनके साथ थे वो देखते रह गए और भाग गए वो। तो ये जो है उनके साथ काफ़ी, अब उनको जो है सज़ा मिल रही है, यहाँ पे 5 साल के लिए उनके बेनिफिट्स रोक दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बार बार ये कहा है कि अगर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह होता है तो यहाँ पे सरकार जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकती और एम्प्लॉयज़ को अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, सरकारी अधिकारी अगर डर के इस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पे वो कैसे अपने लोग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी।
प्रेग्नेंट विद रिफॉर्म, देखो अभी क्या हुआ, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 आया, काफ़ी इसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि बेसिकली क्या था कि अब तक अगर आप अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो 20 वीक के अंदर अंदर वो अबॉर्शन करवा सकती थी, उसके बाद वो इलीगल होता था क्योंकि बच्चा जो है बड़ा हो जाता था, और इलीगल इन द सेंस काफ़ी उनको दिक्कत आती थी अबॉर्शन करवाने में। अब इस चीज़ को इस बिल के अंदर 24 वीक कर दी गई। अब दिक्कत क्यों आती थी, मान लो किसी हमारे देश हमारा समाज जिस तरह बढ़ रहा है, आपको पता है कि अच्छा एक तो माइनर की मैं बात करूँ, स्पेशल एबल्ड वुमेन की बात करूँ, कि जो जिनको रिस्क हो गया है या फिर जो है वो प्रेग्नेंट है और उनको जान को खतरा है, तो वो क्या था, जब वो अबॉर्शन कराना जाती थी तो उनको पता चलता था कि 20 वीक से ऊपर हो चुके हैं और अब वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती, इलीगल हो गया। और कई बार ये देखा गया है कि एक बार अभी चंडीगढ़ में एक केस आया कि जब एक 10 साल की बच्ची थी उसको उसके रेपिस्ट अंकल ने रेप किया, और जब बच्ची के पेट में बच्चा आया तो 10 साल की बच्ची थी मात्र वो, तो उसको जो है चाइल्ड को डिलीवर करना ही पड़ा क्योंकि वो 20 वीक की पीरियड से ऊपर हो चुका था। अब वो 10 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया, मतलब मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल नम हो जाता है कि इस तरीके का जो समाज है हमारा आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से जो है हमारी समाज में ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो इसे इन घटनाओं को देखते हुए 20 से 24 पीरियड किया गया, ताकि अगर महिला 20 वीक के बाद अगर 24 वीक पीरियड तक अगर अबॉर्शन कराना चाहें तो लीगल रूप से करा सकती हैं। और देखो दिक्कत क्या है कि आज हमारे देश में महिलाओं को जो एक तो हमारी मैटर्न मोर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे याद है कि मैटर्न मोर्टिलिटी रेट है कि 1000 में से कितनी महिलाएं जो है मर रही हैं यहाँ पे, प्रेगनेंसी के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। मतलब आप देखो अगर हर साल हमारे देश में 6.4 मिलियन प्रेगनेंसीज टर्मिनेट होती हैं, अबॉर्शन किया जाता है, और 13 वुमेन हर दिन मरती है अनसेफ अबॉर्शन रिलेटेड कॉसेस की वजह से। तो महिलाओं की इस तरीके से जो मौत हो रही है वो काफ़ी दर्दनाक इशू है। अनसेफ अबॉर्शन एक अपने आप में एक बहुत लीडिंग कॉज है, थर्ड नंबर पे लीडिंग कॉज है मैटरनल डेथ्स में। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट ज़रूरी था, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। इसके लिए हमको महिलाओं को अवेयरनेस करवाना पड़ेगा, महिलाओं को ही क्यों अवेयरनेस करवाएं, उनके परिवारों को, आदमियों को, हॉस्पिटल्स में अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी ताकि अबॉर्शन सेफ हो, महिलाएं जो है अपनी मर्जी से डिसीजन ले सके कि कब उन्हें प्रेग्नेंट हो रहा है कब उन्हें नहीं होना। कई बार देखा गया कि ज़बरदस्ती उनके साथ जो है केसेस सामने आते हैं और अनसेफ अबॉर्शन निकल के आता है, खासकर कि रूरल हेल्थ सेंटर में तो हमको करना ही पड़ेगा। फिर जाके हम ये सोच सकते हैं कि जो मदर्स हैं वो राइट तरीके से समय के अनुसार डिसीजन ले सकती है खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार देखा गया कि बच्चों की भी मौत हो जाती है पेट में और महिलाओं की भी मौत हो जाती है। तो इसका सबका ख्याल रखते हुए ये अमेंडमेंट जरूरी था, अच्छी बात है, लेकिन आगे हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।